हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम अजवाइन के नुस्खे की बात करेंगे। क्या आपको ये कोई फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो अजवाइन का नुस्खा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। दो तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हों तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहली, अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, और दूसरी, अगर आपको लिबिडो की प्रॉब्लम है, अगर आपका मन नहीं करता सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो ये दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स में आपकी सहाय होगी। अगर आपका मन नहीं करता सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, आप अजवाइन के कुछ दाने मुंह के अंदर चबा कर फिर उनको अपने अंदर निकालें। इससे आपकी लिबिडो को बहुत फ़ायदा होगा। जो आपका मन नहीं करता उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, जो टाइमिंग का मामला है, उसके लिए आप 2 चम्मच देसी घी ले लें और उसके अंदर थोड़े से दाने अजवाइन के डाल लें और बहुत थोड़ी सी इमली डाल लें। इन दोनों को देसी घी के अंदर थोड़ा सा भून लें और उसके बाद इसकी एक पेस्ट बना लें। उसके बाद आप 1 से 1.5 चम्मच रोज़ाना इसका शहद के साथ सेवन करें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इसका सेवन लगातार 3 से 4 महीने करेंगे तो जो आपकी सेक्सुअल टाइमिंग है उसमें कुछ फ़र्क आ जाएगा। लेकिन मैं ये बात फिर आपको कह रहा हूँ कि हर इंसान को ये सारे नुस्खे सूट नहीं करते। हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, हर इंसान को अलग अलग वजह से टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, हर इंसान को अलग वजह से लिबिडो की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप इन नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये नुस्खे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होते। जब तक कारण समझ में नहीं आता तब तक दवा नहीं दी जा सकती। इसलिए पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, कारण ढूंढें, उसके बाद आप हमारे डॉक्टर से कॉल करें और उसके बाद अपनी दवा लें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।